होगा, दिक्कत तलब समय होगा, क्योंकि ये जो जनरेशन यहाँ बैठी है ये कुछ साल के बाद जब सीन से हटेगी तो यहाँ इस कारिस्तान में पढ़ने के लिए आपके पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। दूसरा जो शुद्ध बाबा साहब ने दिया था संगठित रहने का, संगठित हो जी हमारे अनेकों संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें पैगाम एक प्रमुख संगठन है। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि समय समय पर विभिन्न समाचारों पर ध्यान देके और जानकारी देते हैं, देखते हुए कुछ ऐसा प्रयास है कि ये संगठन आपस में इकट्ठे ना हो और जो इनकी एनर्जी है वो डिसिप्लिन हो जाए, उस एनर्जी को इकट्ठा ना करने दें। मैं अनुरोध करूंगा पैगाम के संरक्षक और पैगाम के जो करता रहता है जस्टिस बाग साहब या जल्दी साहब, एक ऐसा कार्यक्रम करिए जिसमें सारे जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनको एक मंच पर लाइए, एक मंच पर लाके और शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित करिए, क्योंकि वो ठीक है अलग अलग काम करें करें कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा एक अलग है। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। आप गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, हमने अपने जीवन में सिर्फ 55-60 साल में हमने देखा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मोर लेस हमारे जितने भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, एसपीसी होते हैं, उनको दबाने का काम किया जाता है। थैंक यू, मेरा टाइम पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।